पढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए देहरादून में मॉडर्न दून लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड के नज़दीक लैंसडाउन चौक पर मॉडर्न दून लाइब्रेरी बनकर तैयार है, जो कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ ई रीडिंग की व्यवस्था भी देने वाली है। देहरादून निवासी रुद्राश मलिक का कहना है कि उन्होंने कभी लाइब्रेरी देखी नहीं है, लेकिन देहरादून में ही इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनने जा रही है, वह काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा था बहुत सारी लाइब्रेरी में देखी है, लाइब्रेरी में सुनी है लाइब्रेरी होती कैसी है। ये तो मुझे ठीक से पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत तो मेरा है, लेकिन तब भी मुझे ये अपने बुक्स पढ़ने तब भी काफ़ी पसंद है। किस तरह की बुक्स पसंद? मुझे मुझे SST टाइप सोशल स्टडीज़ की बुक पसंद है और साइंस के बुक में इंटरेस्ट है। वहीं मिथिला का कहना है कि ये जो लाइब्रेरी बन रही है इससे सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा एफर्ट है ये, और मुझे तो अब पता चला कि हाँ देहरादून में इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनी है, तो अच्छा है। वी आर वेटिंग कि कैसा रहेगा, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स से आजकल नॉलेज बढ़ती है, लेकिन सबको वो टाइम नहीं रहता है। बच्चों के लिए तो आई विल थिंक कि स्पेशली बहुत अच्छा ये किया है। लेट्स सी, देखते हैं, वी आर वेटिंग। मॉडर्न दून लाइब्रेरी को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की CEO सोनिका ने जानकारी दी है कि लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। तो इसमें कार्य तो पूर्ण हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो गया है, अब बुक्स शिफ्टिंग चालू हो गई है, और बुक शिफ्टिंग होने के बाद होपफुली जनवरी 2nd वीक तक हम कोशिश करेंगे कि इनॉग्रेट हो जाए। कंस्ट्रक्शन का काम जो DSCL के पार्ट में था वो कम्प्लीट हो गया। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और किताबों के पढ़ने का शौक रखते हैं तो देहरादून में मॉडर्न लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि पूरी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और जल्द ही ये शुरू कर दी जाएगी। इसमें कई तरह की किताबों के साथ साथ, कई विषयों की किताबों के साथ साथ समाचार पत्र और कई तरह की पत्रिकाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा जो है ई बुक वर्जन पुस्तकें या किताबें भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। कई तरह के यहाँ पर हॉल हैं और रिसर्च हॉल भी है, और कई तरह से जो है आप यहाँ पर जो कि बच्चे पढ़ने में आगे होते हैं उन्हें भी कई तरह से मदद मिलेगी। वॉकवे, सिटिंग, लाइट और डेकोरेशन करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।